हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एल डिजिटल तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक इंपॉर्टेंट से टॉपिक को विच बिलोंग्स टू आवर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड दैट इज ऑप्टिकल आइसो तो इस नाम को पढ़ने के बाद में वेरी फर्स्ट क्वेश्चन विच अपियर्स इन आवर माइंड वो क्या है कि वॉट आर ऑप्टिकल आइसोमर्स आप ऑप्टिकल आइसोमर्स किसे कहेंगे या ऑप्टिकल आइसोमर्स जो कंपाउंड है वो एक्जेक्टली exactly होते क्या है राइट right? तो ध्यान से समझेंगे ऐसे कंपाउंड जिनका मोलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है लेकिन क्या डिफरेंट होता है ध्यान समझेंगे लेकिन उनका डिफरेंट होगा बिहेवियर किसके टूवर्ड्स डिफरेंट होगा बिहेवियर तो देखिए एक वर्ड आ रहा है प्लेन पोलराइज लाइट यानी कि पीपीएल इस पीपीएल के टूवर्ड्स उनका बिहेवियर डिफरेंट होता है तो ये कुछ कंडीशन है अगर कोई कंपाउंड फॉलो कर रहा है तो यानी कि वो ऑप्टिकल आइसोमर होता है लेकिन इसके पहले कुछ इंपॉर्टेंट से टर्म्स हमने यहां पर अभी डिस्कस की हैं, जैसे कि प्लेन लाइट या पीपीएल क्या होती है एग्जैक्टली exactly ये एक क्वेश्चन है और डिफरेंट बिहेवियर टुवर्ड्स दिस पीपीएल हम इससे क्या कहना चाह रहे हैं एग्जैक्टली exactly, क्या हमारा मतलब है तो इन्हें समझने के लिए इन टर्म्स को हम अच्छे से बेटर वे में समझ पाए इसके लिए जरूरी है कि हम एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप की स्टडी करें और उस एक्सपेरिमेंटल सेटअप को हम कहते हैं पॉलेरीमीटर एक्सपेरिमेंट तो इस पॉलेमीटर एक्सपेरिमेंट के अंदर हम ये समझ पाएंगे कि यह पीपीएल क्या होती है आप ऑप्टिकली एक्टिव और ऑप्टिकली इनएक्टिव किन है कहते हैं तो चलिए सबसे पहले इसका एक ओवरव्यू लेते हैं और उसके बाद में एक बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम इसकी प्रॉपर फंक्शनिंग भी समझेंगे तो ये हमारे पास में पॉलेरिमीटर एक्सपेरिमेंटल सेटअप है सबसे पहले आप यहां पे देख पा रहे होंगे सोर्स ऑफ लाइट हमने यहां पे लिया है अब ये सोर्स ऑफ लाइट कोई भी नॉर्मल लाइट का सोर्स होता है जैसा नाम से क्लियर है कि यानी कि इस लाइट के सोर्स में से लाइट एमिट हो रही होती है बाहर निकल रही होती है और ये जो लाइट है इसके वाइब्रेशन सभी प्लेन्स में प्रेजेंट होते हैं या मैं कहूं कि इसके जो वाइब्रेशन है वो सभी डायरेक्शंस में आपको विजिबल होते हैं जैसा कि हम यहां पर देख भी पा रहे हैं और इस लाइट को हम इसीलिए अनपोलराइज लाइट भी कहते हैं अब देखिए लाइट हमको मिल गई है हम इस अनपोलराइज लाइट को चाहते हैं कि हम इसे पॉलराइज कर दें यानी कि हम ये चाहते हैं कि अभी जो लाइट जिसके वाइब्रेशन सभी प्लेन में प्रेजेंट हैं हम उन्हें एक प्लेन के अंदर लेकर के आ जाएं अब यह काम जिसकी हेल्प से होता है उसे कहा जाता है पॉलेराइजर और पॉलराइजर का मतलब क्या है जिसने कि अनपोलराइज लाइट को पॉलराइज कर दिया करेक्ट तो यहां परिटर एक्सपेरिमेंटल सेटअप के अंदर पॉलराइजर हम जिसका यूज करने वाले हैं वो होता है निकोल प्रिज्म अब यहां पे अगर हम सोचें कि निकोल प्रिज्म बना होता है तो निकोल होता है कैल्साइट यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर के और अगर आप इसकी स्ट्रक्चर को ध्यान से देखें तो ये एक्चुअली दो निकोल प्रिज्म होते हैं जो कि आपस में बाइंडेड होते हैं और इनका काम क्या है इनका काम है एज ए पॉलर वर्क करना क्लियर तो देखिए हमने इस लाइट को पास करवाया निकोल प्रिज्म में से और इस निकोल प्रिज्म से पास होने के बाद में जो लाइट हमको ऑप्टेन हो रही है जो कि यहां पे आप देख पा रहे होंगे इसी लाइट को हम क्या कहते हैं इसी लाइट को हम लोग कहते हैं पीपीएल मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म जो हमने डिस्कस की थी पहले तो पीपीएल कर ली है, क्यों बोला जाता है इसको? नजर आ रहे हैं तो इसलिए हमने इसको बोला पीपीएल क्लियर अब देखिए आप इस पीपीएल को ऑप्टेन करने के बाद हमने आगे यूज किया हुआ है एक पोले ट्यूब को ये पोले ट्यूब क्या होता है तो ये पोलेरी ट्यूब एक एक्चुअल में ग्लास ट्यूब होता है जिसमें कि हम किसी अननोन कंपाउंड के सॉल्यूशन को फिल करके रखते हैं अब यहां पर मैं इसमें अननोन कंपाउंड का सॉल्यूशन क्यों कह रहा हूं क्योंकि अभी तक हमें ये आइडिया नहीं है कि जो कंपाउंड का सॉल्यूशन आपने इसमें फिल किया है वो ऑप्टिकली एक्टिव है या ऑप्टिकली इनएक्टिव है राइट और इसी को हमको पता लगाना है इसी को आइडेंटिफाई हमें एक्चुअली में करना होता है अब देखिए आप मानते हैं कि अगर इस पीपीएल को आपने इसमें से पास करवाया जो कि पॉलेरीमीटर ट्यूब है उसके अंदर एक अननोन कंपाउंड का सोल्यूशन फील्ड है राइट अब दो बातें होंगी ये जो कंपाउंड किस तरीके का बिहेव कर रहा है किस तरीके का बिहेवियर एग्जिबिट कर रहा है तो हम उसे दो केसेस से समझ सकते हैं तो फर्स्ट केस तो ये हो गया कि मान लीजिए आपने इस पर पीपीएल इंसिडेंट करवाई और ये जो पीपीएल थी वो इससे पास होने के बाद में भी जैसी आपने शुरू में ली थी वैसे की वैसी आपको मिल जाए तो यानी कि इस कंपाउंड ने जो इसमें फील्ड है उसने पीपीएल के टूवर्ड्स कोई भी बिहेवियर शो नहीं किया तभी तो हमें जैसी हमने पीपीएल यहां पे ली थी शुरुआत में एट लास्ट हमें वो एज इट इज मिल जाती है तो ऐसे कंपाउंड्स को जिन्होंने को जिन जिन्होंने पीपीएल को किसी भी डायरेक्शन में रोटेट नहीं किया या हम कहेंगे जिन्होंने पीपीएल के टूवर्ड्स कोई भी बिहेवियर ही एग्जिबिट नहीं किया उस कंपाउंड को हम कहते हैं ऑप्टिकली इनएक्टिव क्योंकि इसने कोई भी एक्टिविटी टूवर्ड्स पीपीएल शो नहीं की जैसी शुरू में ली थी वैसी लास्ट में मिल गई और जब कोई एक्टिविटी ही नहीं हुई कोई रोटेशन ही नहीं हुआ तो यानी कि इसके लिए जो अल्फा है अल्फा क्या होता है एंगल ऑफ रोटेशन उसकी वैल्यू हमें मिलेगी जीरो और ये कंपाउंड जो इसमें था वो कहलाएगा ऑप्टिकली इनएक्टिव क्लियर तो ये फर्स्ट केस था अब सेकंड केस की बात कर लेते हैं सेकंड केस में क्या होगा अब हम ये मानते हैं कि जो इसमें कंपाउंड या सॉल्यूशन फील्ड है उसने पीपीएल के टूवर्ड कोई ना कोई बिहेवियर तो एग्जिबिट किया है अब यहां पर बिहेवियर कोई ना कोई एग्जिबिट करने से मतलब यह है या तो पीपीएल को राइट हैंड साइड घुमा देगा या लेफ्ट हैंड साइड रोटेट करवा देगा यही दो सीनियर पॉसिबल है अब मानते हैं कि भाई पहले वाले केस में में इसने पीपीएल को डायरेक्शन रोटेट करवा दिया है या हम कहें कि राइट हैंड साइड डायरेक्शन में रोटेट करवा दिया है तो अब मुझे बताइए क्या इस सिचुएशन में आप इस कंपाउंड को ऑप्टिकली एक्टिव कहने वाले हैं या ऑप्टिकली इनएक्टिव कहेंगे एग्जैक्टली exactly, अभी हम इसको अब क्या कहने वाले ऑप्टिकली एक्टिव बोलने वाले हैं क्योंकि इसने यहाँ पे पीपीएल को एज इट इज नहीं रखा है अब की बार इसने इसको रोटेट कर दिया है और चूंकि क्लोक वाइज डायरेक्शन में रोटेट किया है इसलिए हम इसके में कौन से साइन का यूज करेंगे देखिए प्लस या स्मॉल डी साइन का हम यहाँ पे यूज करेंगे और जो इसमें कंपाउंड है वो कैसा हो गया ऑप्टिकली एक्टिव हो जाता है यहाँ पर जो ये स्मॉल डी है इट स्टैंड फॉर डेक्स्ट्रो रोटेटरी रोटेशन ये इसको बताता है चलिए ये हमने केस देखा जब अगर पीपीएल को कंपाउंड राइट हैंड साइड रोटेट कर दे लेकिन अगर क्या हो जब पीपीएल को ये कंपाउंड लेफ्ट हैंड साइड में रोटेट कर दे तो उस केस में हम कैसे इसको देखेंगे देखिए तो अगर जब ये लेफ्ट हैंड साइड में रोटेट कर देगा पीपीएल को तो भी कंपाउंड तो रहेगा ऑप्टिकली एक्टिव ही करेक्ट कंपाउंड रिमेंस ऑप्टिकली एक्टिव लेकिन जो उसके साइन है वो यहां पर अपोजिट हो जाएंगे प्लस की जगह आप यूज करेंगे माइनस का और स्मॉल डी की जगह आप यूज करेंगे स्मॉल एल का स्मॉल एल क्या बताता है ये बताता है लेवो रोटेटरी रोटेशन यानी कि एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन को तो ये हमने पूरा पॉलरीमीटर एक्सपेरिमेंटल सेटअप को हमने स्टडी किया इसकी फंक्शनिंग कैसे होती है हमने ये यहां पर समझा है ऑप्टिकली एक्टिव इनएक्टिव कंपाउंड में डिफ्रेंशिएट करना हमने सीखा है क्यों ना अब इसे और बेटर वे में समझने के लिए हम एक एनिमेशन की हेल्प लेते हैं तो यहां पर आप देखेंगे पूरा एक्सपेरिमेंटल सेटअप एज इट इज है कोई चेंजेस नहीं है लेकिन हम इसे एनिमेशन के थ्रू समझते हैं यहां पर हमने एज यूज लाइट सोर्स नॉर्मल लाइट सोर्स लिया हुआ है जिसमें से से लाइट एमिट होगी और निकोल प्रिज्म यानी कि हमें उसको पास करवाना है और फाइनली उस हमें पीपीएल ऑप्टेन होगी उस पीपीएल को हम इस ग्लास ट्यूब या पोलरिमीटर ट्यूब में से पास करवाएंगे जिसमें अननोन कंपाउंड का सॉल्यूशन फिल्ड है और फाइनली एट लास्ट आप देखिए हमने

तो इसलिए हम इसको डिटेट करते हैं प्लस एल्फा के साइन से आप इसको यू भी कह सकते हैं कि जो इसमें कंपाउंड है जो जो इसमें फील्ड है है इस इस ग्लास ट्यूब ट्यूब या के अंदर वो वो कंपाउंड कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव और जो पी इस ने पीपीएल को किस डायरेक्शन में रोटेट करवाया है तो आप कहेंगे क्लोक वाइज डायरेक्शन में रोटेट करवाया है चलिए एक अगला केस लेते हैं जिसमें कि अब हम अगर ऐसा कहें कि इसमें जो कंपाउंड फील्ड है मान लीजिए अगर वो पीपीएल को एंटी क्लोकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करवा दे तो इसको हम कैसे समझेंगे देखिए नेक्स्ट ये लाइट आई सेम है Polarizer से हम इसको पास करवाएंगे फाइनली ट्यूब से होते हुए अब की बार एनालाइजर ने हमको ये बताया है कि पीपीएल जो है वो अब की बार एंटी क्लोकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है यह हम कहें कि लेफ्ट हैंड साइड में रोटेट हो रहा है तो वंस अगेन यहां पर हम साइन को जस्ट अपोजिट कर देंगे प्लस था वहां पर तो यहां पर हो जाएगा माइनस और अल्फा तो आप जानते हैं कि एंगल ऑफ रोटेशन को बताता है अच्छा वंस अगेन अगर मैं बोलूं आपसे कि क्या इसमें जो अब की बार जो कंपाउंड फील्ड है क्या उसे अभी भी आप ऑप्टिकली एक्टिव ही कहेंगे यस अभी भी इसमें जो फील्ड कंपाउंड है वो है तो ऑप्टिकली एक्टिव ही तो हमने इन एनिमेशंस के थ्रू पूरे पोलरिमीटर एक्सपेरिमेंट को यहां पर समझा है अब देखिए जितने भी ऑब्जर्वेशन हम कहें कि इस एक्सपेरिमेंट से हमने सीखे हैं अगर उन्हें हम डिक्टेट करना चाहें तो वेरी फर्स्ट पॉइंट पॉइंट वो वो क्या होगा देखिए सबसे पहला यहां पे जो निकल के आता है है ये होता है कि इफ अ मॉलिक्यूल रोटेट्स प्लेन पोलराइज लाइट इन एनी डायरेक्शन देन इट विल बी कंसिडर्ड ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल बिल्कुल करेक्ट बात है अगर कोई भी मॉलिक्यूल पीपीएल को यानी कि प्री पोलराइज लाइट को किसी भी डायरेक्शन में यानी कि वो चाहे क्लोकवाइज डायरेक्शन हो या एंटी क्लोकवाइज हो किसी भी डायरेक्शन में रोटेट कर देता है तो वो जो मॉलिक्यूल है या कंपाउंड है वो हो जाता है ऑप्टिकली एक्टिव करेक्ट लेकिन अगर मैं इसका अपोजिट कर दूं मान लीजिए जो एंगल ऑफ रोटेशन है पीपीएल का वो आपको अगर जीरो मिल जाए तो इससे आप क्या समझेंगे तो ऐसे कंपाउंड को आप क्या कहेंगे तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इफ नेट रोटेशन ऑफ पीपीएल इज जीरो ट विल बी कंसिडर्ड ऑप्टिकली इनएक्टिव मोलिक्यूल अगर एंगल ऑफ रोटेशन ही जीरो हो गया इसका मतलब क्लियर है कि वहां पर पीपीएल बिल्कुल भी रोटेट नहीं हुई है और इस कारण से वो जो मॉलिक्यूल या कंपाउंड है वो हो जाता है ऑप्टिकली इनएक्टिव क्लियर अब कुछ बेसिक से टर्म्स हमने जो यूज की थी उनको समझ लेते हैं जैसे कि क्लोक वाइज रोटेशन जो होता है उसके लिए हम डेस्क रोटेटर यूज करेंगे और उसके लिए साइन कौन सा यूज करेंगे स्मॉल डी या प्लस का इसका अपोजिट अगर कर दिया जाए तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन के लिए कौन सा के जाएगा? या की का. है? ये हमने कुछ पॉइंट्स जो हमने से उनको हमने यहाँ पर डिक्टेट किया अब देखिए एक और पॉइंट यहाँ पे रिमेनिंग है जो कि होता है एंगल ऑफ रोटेशन के बारे में उसके पहले एक छोटा सा क्वेश्चन ये है क्या एंगल ऑफ रोटेशन जो पीपीएल का होता है वो स्पेसिफिक होता है या वो कुछ फैक्टर्स से अफेक्टेड भी होता है तो चलिए इसका आंसर हम लेते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट में तो एंगल ऑफ रोटेशन जिसे अल्फा से डिनोट करते हैं वो डिपेंड करता है कुछ पैरामीटर्स पे कुछ फैक्टर्स पे वो क्या है समझते हैं फर्स्ट है लेंथ ऑफ पॉलेमीटर ट्यूब जी हाँ तो आपने जो पॉलेरीमीटर ट्यूब ली है या ग्लास ट्यूब ली है उसकी लेंथ कितनी है ये उससे अफेक्टेड होगा और ये लेंथ किसमें गिवन होती है डेसीमीटर में नेक्स्ट जो आप वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज कर रहे हैं यानी कि जो लाइट आपने यूज की उसकी वेवलेंथ कितनी है ये उससे भी अफेक्टेड होगा और वेवलेंथ गिवन होती है इन एंगस्ट्रॉम नेक्स्ट जो आप सॉल्यूशन आपने फिल्ड किया हुआ है उस ग्लास ट्यूब या पॉलीमीटर ट्यूब के अंदर उसका जो कंसंट्रेशन है ये उससे भी अफेक्टेड होता है व्हिच इज गिवन इन इन ग्राम पर एमएल और लास्ट फैक्टर जिस पे की एंगल ऑफ रोटेशन डिपेंड करता है वो होता है टेम्परेचर जो कि गिवन होता है इन डिग्री सेल्सियस तो ये कुछ पैरामीटर्स थे जिनके ऊपर एंगल ऑफ रोटेशन डिपेंड करता है और अभी तक इस टॉपिक के अंदर हमने अच्छे से समझा कि आप ऑप्टिकल आइसोमर्स किसे कहेंगे आप पीपीएल क्या होती है और आप ऑप्टिकली एक्टिव और ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड्स को कैसे इजीली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं थैंक यू